मेरा नाम है निकी जम्वाल एंड मैं 29 करनगर वार्ड नंबर 8 में रहती हूँ और पिछले 2013 से यहाँ रह रही हूँ। ये मेरे पेरेंट्स का घर है। जब से मैं यहाँ रहने लगी हूँ और मेरे ब्रदर की डेथ हुई है, जब से ब्रदर की डेथ हुई है ये प्रणव कोहली और एक चाड़ गुंडा वो भी, इसकी तो पूरी गैंग, पूरा इसका स्टाफ इसने रखा हुआ जो मुझे चेज करता है। जब मैं जाती हूँ दे कीप अ वॉच वेयर आई एम गोइंग व्हाट आई एम डूइंग। ये ऊपर आप देख रहे खिड़की है ना, शीशों से इन्होंने कैमरे लगाए होते हैं, कभी कुछ लगाया होता है हमें पता है, बट दे कीप अ वॉच। जैसे मैं बाहर निकलती हूँ एक लड़का मुझे चेज करता है, उसका नाम मैंने करेला रखा है। वो केरला का लगता है जहाँ कहीं छत्तीसगढ़ का जहाँ कहीं का, तो वो उसने मुझे जब भी जाना दी ही मेक्स मी रियलाइज आई डोंट नो व्हाई। फिर आएंगे अगर मैं जब जाऊँगी, उन्होंने पैसे पहले कुत्तों को भी मारा, कुत्तों की इसकी टांगे तोड़ी हैं, इसकी एक ही अभी तक ऊपर चढ़ नहीं सकता, ये ही कैन नॉट जंप एंड यू नो डू इट। और दूसरी वो मेरी जो वो जो है ना आप देख रहे हैं वॉल है जो फ्रेश जो सीन है, मतलब वो मेरा बाउंड्री वॉल पे उसने देखी वो डाला हुआ है अपनी, वो डाली है बाथरूम की वॉल बाउंड्री वॉल के और मेरी जगह पे वाल। देखिए मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ करना हो तो मैंने अपना कोई स्क्वायर करना कि ऊपर ये देखते हैं जब भी होते हैं यहाँ आके इस पूरी फैमिली पे कड़ी हो जाती है। तो जो आपने ये कंप्लेंट अब दी है ये कंसर्न किस पुलिस स्टेशन में दी है और क्या कंप्लेंट दी है? ये पुलिस स्टेशन में मैंने दी है पकड़नगर पुलिस स्टेशन, वो इंस्पेक्टर थे उन्होंने हमारी ली, वो एक बार यहाँ आए भी हैं थोड़ा सा देख के गए हैं बट ही डिडंट गिव मी रिपोर्ट एंड आई वाज आस्किंग हिम कि मुझे रिपोर्ट लेकर आपने ये कंप्लेंट जो है इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे पास टॉयलेट नहीं है, पिछले एक साल से टॉयलेट नहीं है और मैं यहाँ नीचे ये जो ड्रेन है किचन ड्रेन है अनहाइजीनिक, मैं उसको बड़ा उसको दवाइयाँ वाइयाँ डाल के उसको साफ करती हूँ एवरी डे आई हैव टू डू एंड स्टिल यू नो इट्स ना। और मैं डायबिटिक हूँ, आई हैव टू गो एट ऑड टाइम, मुझे ऑड टाइम वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ घास होती है, अभी वही जगह ठीक करवानी है उसका, कुछ भी कराऊँगी ये आके एनीवे वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेरी मेन इश्यू है टॉयलेट्स है, अभी मेरी सिस्टर एक वीक के लिए आई, हमने वी हैव फोर टॉयलेट्स, तो वो उस टॉयलेट में जाने लगी जिसके बेडरूम में था, वहाँ देखी कुछ नहीं पानी ऊपर, वो भी ले लिए ब्लॉक कर दिया हुआ, मतलब इनको इस ये घर जो हमारे साथ बना हुआ है इन्होंने तो खरीदा 1995 में। हाँ मिलू जो जो है कमिश्नर साहब से आप मिलिए, यादव साहब से लिखती हूँ उनको बकायदा एट अ टाइम, बट उनकी तरफ से ये सेप्टिक बारे में जो सेप्टिक हाइजीन सैनिटेशन का वो कुछ नहीं हुए हो पाया क्योंकि उनका शायद ये डिपार्टमेंट उसके रिलेटेड नहीं है, हेल्थ ऑफिसर करता है मैं, है ना। हेल्थ में आप क्या अपील करना चाहते हैं, किन किन से अपील करना चाहते? मैं अपील करना चाहती एक तो हेल्थ ऑफिसर और मेयर इज़ द पर्सन हु इज़ बिहाइंड दिस बैकअप, बिकॉज ये जो यहाँ पे बिजनेस चलता है साइबर कैफे 24 आवर इलीगल की चीज़ें बहुत इलीगल भी हैं, तो उस तरीके से वो कवर करते हैं और यहाँ कभी कोई एक्शन आजकल पुलिस ले ही नहीं पाती। पुलिस से गुहार कहते हैं बी ऑनेस्ट एंड बी ड्यूटीफुल टू योर थिंग्स एंड एटलीस्ट यू नो लेडीज़ की हेल्प होनी चाहिए। मुझे 4 साल 8 दिन से कभी कोई हेल्प ही नहीं मिली ऐसे, फिर स्पेशली SSP वो उड़ के हवा में उड़ के बात करते, अच्छा फ़ोन पे मैं भेज रहा हूँ निकी को फटाफट कर दो इसका काम, करके तो देखो ना जाओ एक चक्कर लाइए। दिस वे ही टॉक्स लाइक दिस, काम कभी नहीं होता है। वाई? बिकॉज ही इज़ गॉट अ बैक, ये इनका साथ कनेक्शन है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन कॉरपोरेटर है, JMC है, रेवड़ियाँ फेंकते हैं, इसकी तो बहुत रेपुटेशन है ये जजों को मैजिस्ट्रेट। मेरा केस बहुत पहले मैजिस्ट्रेट 2019 में हमने मैंने अपील किया, वहाँ तो उसको उसने दिया नहीं जजमेंट, उल्टा मेरे पे बोला। आप क्या सोचती हैं आपका क्लियर हो जाएगा जी?